ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा चल रहा है और ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ था कुणाल और उनकी बहन माया की वजह से। माया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस नविका कोटिया पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही थी, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। 3 दिन से नविका हॉस्पिटल में थी और अब उन्होंने अपनी हेल्थ अपडेट सोशल मीडिया पर शेयर की है। नविका ने हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए रिवील किया दैट शी हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद मेनिनजाइटिस और अब इसी वजह से उन्हें 10 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने सभी की विशेस के लिए थैंक यू कहा और अपोलोजाइज भी किया कि इतने दिनों से वो किसी को रिप्लाई नहीं कर पाई। नविका ने लिखा है, एवरीवन थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस कॉल्स एंड विशेस। थैंक यू फॉर चेकिंग अप ऑन मी। सॉरी आई हैवंट रिप्लाइड टू ऑल योर मैसेजेस। I can't use my phone much. I have been diagnosed with meningitis. I am getting better day by day, but I still have to stay hospitalized for around 10 more days. Thank you for all the love. We'll see you guys soon. वैसे अगर बात करें ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की, तो उसमें दिखाया जाना था माया का किरदार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अभी के साथ उसका कुछ एंगल भी दिखा सकते थे, लेकिन फिर नविका की तबीयत खराब हो गई और फिलहाल जो कहानी दिखाई जा रही है वो ये है कि अभिमन्यु और अक्षरा का रिश्ता डाइवोर्स की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अभिरा के फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि शो के लीड एक्टर्स का डाइवोर्स तो नहीं हो सकता है।